हेलो फ्रेंड्स, रूपाली वेज किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं टेस्टी से दाल के मकौड़े। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। सर्दियां चल रही हैं और दाल के मकौड़े, चाय, चटनी मिल जाए तो बस मजा ही आ जाए। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने दाल के मकौड़े की रेसिपी बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मूंग दाल मकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने दाल ली है, दाल मूंग की दाल और मूंग की दाल छिलका। मूंग की दाल दो भाग में ली है और एक भाग यानी दो कटोरी मूंग की दाल ली है और एक कटोरी मूंग छिलका ली है। इसको मैंने 2 से 2.5 घंटे पानी में भिगो लिया था। अब ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम मिक्सी के जार में पीसेंगे। हमको दाल बिल्कुल दरदरी पीसनी है, एकदम बारीक नहीं पीसनी है, दरदरी पीसनी है। अब हम पीस लेते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दाल बिल्कुल दरदरी पीसी है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसी है। अब हम सारी दाल को पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं टेस्टी टेस्टी मकौड़े। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दाल बिल्कुल दरदरी होने तक पीस ली है। कितनी अच्छी दाल हमारी बनके तैयार हुई है। फ्रेंड्स, मैंने बारीक कटे हुए आलू काटे, बिल्कुल बारीक बारीक काटे हैं मगोड़ों में डालने के लिए। अगर आपको आलू नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर आलू डाल के बहुत ही टेस्टी हमारे मगोड़े बन के करारे तैयार होंगे। अब मैं इन आलुओं को इसके अंदर ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान जरूर कि बिल्कुल बारीक बारीक आलू काटे, मोटे नहीं काटे। आप आलू कम ज्यादा भी डाल सकते हैं या फिर आप स्किप भी इसको कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और करारे हमारे मकौड़े या दाल के पकौड़े बनके तैयार होंगे। फ्रेंड्स, में कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। आप फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मिर्च को दाल के साथ भी पीस सकते हैं, मगर मैं इस तरह से डालूंगी, इससे हमारा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मिर्च का। अगर आपको मिर्च नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, मगर मकौड़े या पकौड़े थोड़े से चटपटे ही अच्छे लगते हैं खाने में। अब इसमें मैं आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी और फ्रेंड, इसमें मैं हींग डालूंगी। हींग का बहुत अच्छा मगोड़ों में फ्लेवर आता है, आप इसको जरूर डालें, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे पकौड़ों में, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सर्दियां चल रही हैं, मगोड़े पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। सर्दियों में तो ये चीज मिल जाए और चाय मिल जाए, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। फ्रेंड्स, अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम गैस पे कढ़ाई गर्म होने रख देते हैं और फिर बनाते हैं टेस्टी टेस्टी करारे करारे दाल के मगोड़े या पकौड़े, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और फ्रेंड्स, इस बात की टिप जरूर दूंगी कि दाल पीते समय बिल्कुल पानी का उपयोग नहीं करें, नहीं तो हमारी दाल पतली हो जाएगी और एकदम करारी, एकदम दरदरी होने तक नहीं पिस पाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। हमने जो पेस्ट तैयार किया था, आप इसको हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से कैसे भी डाल सकते हैं। मैं हाथ की सहायता से मोड़े डालूंगी और आंच बिल्कुल धीमी कर दें, एकदम तेज नहीं करें, नहीं तो हमारे अंदर से अंत कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इनको पकाएं और एकदम करारा होने तक सेकें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसको आधा सेक के रख लीजिए और जब आपके को खाना हो, जब आप उसको दोबारा से डीप फ्राई कर लीजिए, आपके मकौड़े और भी करारे और टेस्टी लगेंगे। अब हम सारे मकौड़ों को तल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से मैंने इनको अच्छी तरह से करारा करारा सेका है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे करारे और टेस्टी मकौड़े बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं। फ्रेंड्स, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और सारे मकौड़े अपना के तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे दाल के मकौड़े बनके बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। क्रिस्प की आवाज आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगते हैं। सर्दियां चल रही हैं, आप मकौड़े खाइए। और कभी आपके घर में गेस्ट आ जाए तो फ्रेंड्स, आप हाफ डन करके रख लीजिए, फिर आप जस्ट डीप फ्राई कर लीजिए, आपके तुरंत मकौड़े बनके तैयार हो जाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और कमेंट में बताना कि आपको मेरे टेस्टी से मंगौड़े कैसे लगे। थैंक यू।